नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर के साथ करवाई गई पहले चरण की वोटिंग। विधानसभा चुनाव की शुरुआत आज से हो चुकी है। इसी क्रम में आज पहले चरण के तहत कुल मिलाकर 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया करवाई जा रही है, जिसमें कुल मिलाकर 1066 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि कोरोना के माहौल में हुए इस पहले चुनाव में सभी बूथों पर विशेष इंतजाम देखने को मिले। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। सभी वोटर मास्क और ग्लव्स के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने मत का इस्तेमाल करते भी देखे गए। बूथों पर प्रवेश के पहले ही वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। हालांकि कुछ बूथों पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया, वहीं कुछ बूथ ऐसे थे जहां नियमों का खूब उल्लंघन हुआ। आपको बता दें, सुबह से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बिहार के चुनावी रण में फिर उतरे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व में फिर से मैदान में बिगुल फूंक दिया है। वहीं आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा का आयोजन करवाया गया, जिसकी शुरुआत दरभंगा जिले से हुई। उन्होंने आज दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए लोगों का अभिनंदन मैथिली में किया। मैथिली में भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा है। जहां जहां चुनाव चल रहे हैं, वहां के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरते। इसके साथ ही उन्होंने आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार 15 साल से बढ़ रहा है। भाजपा और एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर यह आकलन लगाया जा रहा है कि आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। शूटर श्रेयसी सिंह ने वोट डालते ही पहले मतदान फिर जलपान की कही बात। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। वहीं जमुई से भाजपा प्रत्याशी शूटर श्रेयसी सिंह ने भी मतदान दे दिया है। वहीं मतदान के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को भी दोहराया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि पहले मतदान फिर जलपान। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना मतदान देने के बाद सभी लोगों से घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान का आयोजन करवाया गया, जहां कुल मिलाकर 71 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। पहले चरण में श्रेयसी सिंह के अलावा कुल मिलाकर 166 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर के नए नियम जल्द होंगे लागू। प्रदेशवासी कृपया ध्यान दें, 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर लेने के नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया नियम लागू करने की तैयारी में है। इस नियम के तहत डिलीवरी बॉय जब सिलेंडर लेकर घर पहुंचाने जाएगा, तब ग्राहकों को एक ओटीपी बताना होगा। इस नए नियम को डीएसी का नाम दिया गया है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। आपको बता दें कि अब सिर्फ बुकिंग करा लेने से सिलेंडर ग्राहकों को नहीं मिलेगा, इसके लिए कोड बेहद जरूरी होगा। अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तो रियल टाइम में ही डिलीवरी बॉय एक ऐप के माध्यम से नंबर अपडेट कर देगा। कोड देने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी पूरी होगी, जिसकी जानकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंधक बिहार झारखंड की वीना कुमारी ने दी है। प्रधानमंत्री के वोट करने की अपील पर राहुल गांधी ने महागठबंधन को वोट देने की कही बात। आज से पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, वहीं वोट करने वालों की लंबी कतार भी सुबह से देखने को मिली। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सभी आमजनों से वोट डालने की अपील की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि कोरोना के इस माहौल में भी लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनिए, जिस पर राहुल गांधी ने भी अपना बयान जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट करके कहा कि केवल महागठबंधन को ही वोट करें। उन्होंने आगे लिखा कि न्याय, रोजगार, किसान, मजदूर के लिए आपका महत्वपूर्ण वोट जाना अनिवार्य है। मुंगेर में हुए वाक्य पर तेजस्वी यादव ने की डीएम और एसपी को तत्काल हटाए जाने की मांग। महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों मुंगेर में हुए वाक्य पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाने के साथ मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच करवाया जाए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के घटक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजवाला और वामपंथी दलों के नेताओं की मौजूदगी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुंगेर में जिस तरह की घटना हुई, वो साधारण नहीं है। इस मामले में मुंगेर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के मौके पर मुंगेर में पुलिस और विसर्जन करने जा रहे लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को हुआ कोरोना। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी के बाद अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना काल में आयोजित चुनाव आम जनता पर जितना भारी पड़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा भारी यह चुनावी नेताओं पर पड़ने लगा है। भाजपा और जदयू के नेताओं के बाद विकासशील इंसान पार्टी के
मुखिया मुकेश सहनी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई दिनों से वो लगातार चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जिसके कारण वो संक्रमित हो गए हैं। वीआईपी पार्टी के सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी कोरोना टेस्ट करवाई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हाल के दिनों में अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की है। हिरासत से निकलने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने जारी किया अपना बयान। हिरासत से निकलने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपना बयान जारी किया है। आज बिहार में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इससे ठीक पहले प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी को हिरासत में ले लिया गया था। पुष्पम प्रिया दरअसल राज्यपाल से मुलाकात करने जा रही थी, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही ट्वीट करके कई बातें कहीं, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके खुद को हिरासत में लिए जाने के फैसले का विरोध किया। साथ ही उन्होंने मतदान को लेकर भी अपना बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के त्योहार का नहीं एक तमाशे का महाभोज है, लेकिन इन जाहिलों के साथ ना चाहकर भी उस तमाशे में शामिल होना जरूरी है, ताकि इनको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और आपकी आजादी के लिए कुर्बान हुए लाखों शहीद की आत्मा को शांति मिले। नाराज ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आज से जहां चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है, इसी क्रम में कई ऐसे भी बूथ दिखे जहां लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली। रोहतास जिले के नोखा विधानसभा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पीपरा स्थित बूथ संख्या 45 पर अब तक कोई मतदान करने मतदाता नहीं पहुंचा था। बताया जा रहा है कि पीपरा गांव के ग्रामीण गांव का विकास नहीं होने से ये सभी ग्रामीण नाराज चल रहे हैं, इसलिए अभी तक कोई मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचा था। सुबह से ही मतदान कर्मी तैयार करके बैठे हुए थे, लेकिन किसी मतदाता के नहीं पहुंचने से मतदान कर्मी मायूस है। आपको बता दें कि पीपरा गांव नोखा विधानसभा क्षेत्र आता है और गांव का विकास नहीं होने से ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि गांव में सड़क नहीं बनाई गई है और न ही कोई बुनियादी सुविधाएं हैं। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीएम को दिया आदेश। बिहार के पहले चरण की वोटिंग आज से जारी है। पहले चरण के 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान भी जारी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने सूबे के डीएम को वोटरों के मोबाइल को लेकर सख्त निर्देश दिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने डीएम को दिए निर्देश में कहा है कि बूथ के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल लेकर जाता है तो उस पर सख्ती दिखाई जाए। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के पास लगातार ऐसे फोटोज वीडियोज आ रहे थे जिसमें ईवीएम या वीवीपैट के सामने वोटर फोटो ले रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों को देखते हुए तुरंत संज्ञान लेने की मांग की गई है। पहले चरण के वोटिंग के लिए सभी मतदाताओं को घर से निकलने की अमित शाह ने की अपील। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी मतदाताओं को घरों से निकलकर वोट करने की अपील की। पहले चरण के मतदान से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने सभी 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान का आयोजन करवाए जाने की बात कही। वहीं मतदान को लेकर अमित शाह ने ट्वीट जारी किया, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि बिहार के प्रथम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान जरूर करें। आपका हर वोट बिहार को भ्रष्टाचार से दूर रख विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। हालांकि अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोगों से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की थी, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का रखे ख्याल, मास्क जरूर पहने, याद रखे पहले मतदान फिर जलपान। आज है बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा अदिति राव हैदरी का जन्मदिन। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अदिति राव हैदरी आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, जिसके तहत फिल्म जगत के कई कलाकारों ने उन्हें आज उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अभिनेत्री अदिति राव हैदरी काफी अच्छे खानदान से ताल्लुकात रखती हैं। उन्होंने अब तक किए गए अपने हर एक फिल्म में अपना बेहतरीन काम दिखाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अदिति ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वो बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने हुनर का जलवा बिखेर चुकी हैं। ज्ञात हो अदिति राव को पहचान साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म ये साली जिंदगी से मिली थी। इस फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया था। वहीं इस फिल्म में उन्होंने अरुण दोए सिंह और इरफान खान के साथ स्क्रीन भी शेयर किया था। इसके अलावा अदिति ने अब तक कई सारे फिल्मों में काम किया है, जिसमें लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, खूबसूरत, बॉस, गुड्डू रंगीला, फितूर, भूमि जैसे फिल्मों में उनको देखा जा चुका है। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेंगी आरसीबी और मुंबई की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई के बीच होने वाला है, जहां आज का मैच जीतकर बैंगलोर प्लेऑफ में जगह बनाना चाहेगी। वहीं मुंबई की टीम भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दोनों ही टीम ने अब तक कुल मिलाकर 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 मैच जीतकर 14 अंक हासिल कर चुके हैं। अंक तालिका की बात करें तो वर्तमान समय में मुंबई की टीम नेट रन रेट के आधार पर मुंबई पहले और बैंगलोर दूसरे स्थान पर है। सीजन में दोनों टीम के बीच खेला गया पहला मुकाबला टाई हुआ था, जहां बैंगलोर ने सुपर ओवर में जीत हासिल की थी। हालांकि मुंबई की टीम की बात करें तो कप्तान
रोहित चोटिल है और मैच के बाहर है। उनकी जगह किरण पोलार्ड कप्तानी करते नजर आएंगे। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 80 लाख के करीब। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 42,704 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 79,90,322 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 509 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,20,005 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 72,59,509 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 6,10,803 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज मुंबई और आरसीबी के बीच होने वाले मैच में किस टीम के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होने की ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।